नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। भोजपुरिया फिल्म जगत के सुपरस्टार कहे जाने वाले रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों से जुड़े तमाम लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि भोजपुरिया फिल्मों को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ नए उपाय सोचे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने वो सुनिए। यू धरती बा जहां से रवि किशन एक गुमनामी की दुनिया में रहा भोजपुरी का सुपरस्टार बन गया। यू धरती बा एक हम आजीवन ऋणी रहा और यह खातिर एक छोटा सा प्रयास हम ऋण ना चुका पाए लेकिन छोटा सा प्रयास है जो माननीय मंत्री जी से हम बतौनी मलेशिया में दूर है कि भोजपुरी सिनेमा अंगिका सिनेमा वज्रिका सिनेमा जोन भाषा में एजा मैथिली में जोन जोन सिनेमा एजा बना ला उस सिनेमा के अनुदान मिले के चाहे क्या है कि प्रोड्यूसर एक बहुत गरीब हो जाता है जब वो सिनेमा बनाता है तो सरकार हमारे बात मन ले माननीय मंत्री जी करा के आगे लेना। आज पूरा सरकार का ही लेखा जोखा बा कि कैसे बिहार सरकार पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ न्योता दे दे, कैसे बिहार सरकार सिनेमा इंडस्ट्री यहाँ के लोकल कलाकारों को एक क्योंकि भोजपुरी का जोन बिजनेस यहाँ पर मैथिली का मगही का जोन अंगिका का जो बिजनेस यहाँ पर है उतना कहीं नहीं, लेकिन प्रोड्यूसर अगर फिल्म नहीं चलती तो उसकी कमर टूट जाती तो उसको क्या क्या अनुदान मिलेगा। और जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि 30 एकड़ में नालंदा में फिल्म सिटी का प्लान सरकार ने किया है। अब ये बात सरकार की तरफ से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में ये आ गया था सिनेमा उद्योग स्वतंत्र प्राथमिकता। अब इसमें क्या क्या है कि भाई 85% या 75% आप शूटिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 25 लाख रुपया मिलता है। 50% कलाकारों को आपको लेना है, किसी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है भोजपुरी या जो भी भाषा बिहार से जुड़ी है उसको 1 लाख रुपये से लेकर 50,000 रुपया उस डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को मिलेगा इनाम। यहाँ फिल्म लेबोरेटरी बनेगी, फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन होगा, फिल्मों के बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है तो बिहार सरकार ने तो मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश जी को, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री सुशील मोदी जी को डिप्टी सीएम साहब को कि ये दोनों ने ये प्रयास किया हमारी बात मानी। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा और बिहार सरकार को मैं नमन करूंगा। ये भोजपुरी सिनेमा के लिए बहुत खुशी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहें कि यह बहुत शूटिंग होला भोजपुरी अभी हम आपसे बात करें करीबन 15-20 फिल्मों की शूटिंग इस वक्त चल रही है बिहार में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार झारखंड सरकार ने किया, बिहार सरकार खाली नहीं कर पाई थी जो कि अब ये मैं आप लोगों के द्वारा मोतिहारी में पहला न्यूज ब्रेक कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी भी थे, मैं बोला ये कारण अच्छा था, हम भी यहाँ आए थे, हम गोरखपुर से यहाँ आए तो हम बोले ये संदेशा आप लोगों को हमारे द्वारा हो जाए कि ये सरकार में और मैंने आप लोगों को ये पत्रक दिया है जिसके अंदर बहुत सारी नीतियां हैं कि किस तरह से एक फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ इनवाइट किया जाएगा, किस तरह से टूरिज्म बढ़ेगा, किस तरह से यहाँ शूटिंग्स होंगी। तो हमारे बिहार में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको सिनेमा में देखने के बाद यश चोपड़ा जब स्विट्जरलैंड गए तो लोग स्विट्जरलैंड को जाना, तो जब सिनेमा वाले आएंगे सिनेमा एक ऐसा माध्यम है कि आपके ऐतिहासिक स्थल को आपके पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई योगदान दे सकता है सिनेमा इंडस्ट्री दे सकती है। और ये मैं अगर इसके ये हो गया तो मुझसे ज्यादा और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री और जितनी भी हमारी दूसरी भाषा की इंडस्ट्री बिहार में है वो सब लोग इतना प्रसन्न होंगे कि हम उसको आपको बयां नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा पटना से लेके मोतिहारी मुजफ्फरपुर जितने भी आरा छपरा बलिया इतने लोकल कलाकार हैं उन लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मुहैया इससे बहुत होगा, लोगों को मुंबई पलायन नहीं करना पड़ेगा, लोगों को काम नहीं खोजना पड़ेगा। तो ये सरकार ने मैं अपनी तरफ से पूरा साधुवाद देता हूँ सरकार को। तो फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज़ 1 11। नमस्कार। न्यूज़ 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।